السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

सलाम फैलाओ और सलामत रहो सलाम फैलाने के सिलसिले में अक्सर बेशतर मुसलमान अच्छी तरह जानते और समझते हैं लेकिन बसा अवत लापरवाहियों और सुस्तियों के शिकार हो जाते हैं या गैर शोरी तौर पर इस अहम अदब के बारे में गफलत और सुस्ती हो जाती है या दहानी के तौर पर सलाम फैलाओ और सलामत रहो का एक अनोखा और निराला पैगाम आप हैदराबाद तक मैं पहुंचाना चाहता हूं बिला सुबह सलाम करना फैलाना अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू या अस्सलाम वालेकुम या अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह वगैरह वगैरह अल्लाह के यहाँ पसंदीदा दीन दीन इस्लाम का एक परचम है एक निशानी और एक श्यार है एक बुलंद पाए का अदब है और मुसलमानों के, के लिए ये एक मुबारक बाबरकत अमल है अल्लाह ने सलाम को आपस में एक दूसरे से सलाम को एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का हक करार दिया है और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अक्रम वसल्लम ने मुसलमानों के दरमियान मवादत उल्फत सेफ्ती प्यार और महबत फैलाने के असबाब में से एक सबब है जो कि जन्नत में दाखिले के असबाब में से है सलाम की बहुत बड़ी फजीलत और बरतरी है यहाँ तक कि ये अल्लाह ताला तरफ से एक मुबारक निहायत बाबरकत हदिया निहायत पाकिज़ा तोहफा है सलाम हर मुलाकात के वक्त किसी भी मुसलमान मर्द से मुलाकात के वक्त चाहे हम उस मुसलमान को पहचानते हो, जानते हो, मेरा दोस्त हो या मेरा मुखालिफ हो मेरा दोस्त हो या मेरा मुखालिफ हो चाहे मेरे किसी कसूर की वजह से और चाहे अपनी अक्ल की कोताही की वजह से या हसद और नफरत की वजह से या किसी बदगुमानी की वजह से अगर वो मुसलमान है चाहे हम पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, तो उससे सलाम करना बल्कि सलाम में पहल करना एक निहायत पसंदीदा मुस्तहब अमल है अल्लाह ने जरा सुनिए हुकुम दिया है या आमनू आमनु अहले ईमान और अहले इस्लाम ऐ ईमान वालों मुसलमानों ला खलू बुतन गैरा बुतकुम अपने घरों के अलावा किसी घर में दाखिल ना हो हत्ता तस्ता यहाँ तक कि उस घर वाले से तुम इजाजत और अनुमति ले लो किसी के घर में बरामदे में रोम में हरगिज ना दाखिल हो जब तक कि दाखिले की इजाज़त आप ना पा जाए और जब दाखिले की इजाज़त पा जाएँ वह तो सलम तो घर वालों पर तुम सलाम कर लो अल्लाह ताला ने ए तूर नूर की आयत नंबर सत्ताईस के अंदर ये हुक्म दिया है कि बिना इजाज़त किसी के घर में किसी के रूम में किसी के ऑफिस में कतान दाखिल ना हो जब तक कि इजाज़त ना ले लो सोरे नूर की आयत नंबर सत्ताईस और घर में दाखले से पहले दाखिले होने से पहले कोई बातचीत करने से पहले सलाम कर लो अगर वो घर वाले मुसलमान हैं बल्कि अल्लाह ताला ने तुर नूर ही की आयत नंबर एकसठ के अंदर सिक्सटी वन के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है क्या फरमाया ज़रा गौर से सुनिएगा तहीता मिन इंद मुबारक ये सलाम क्या है इसका महत्व और इसकी अहमियत और बर्तरी और फजीलत क्या है तहियतन मिन इंद मुबारक अल्लाह ताला ने फरमाया है कि दुआए खैर है बाबरकत है फजीलत वाला है Allah की तरफ से नाजिल हुआ है उतरा है ये सलाम ये सलाम दुआए खैर है बाबरकत है पाकिजा है अल्लाह तरफ से उतारा गया है नाजिल हुआ है जरा सोचिए कि वो अदब वो सलीका जिसकी पाकिजगी में बयान की गई है जो बरकत वाला है जो पाकिज़ा साफ सुथरा है और इन सारी पाकिजगी और सुथराई के बाद वो खैर की दुआ है सलामती आफियत अमन व अमान चैन वसकून की वो दुआ है और वो किसी मखलूक का गढ़ा हुआ नहीं बल्कि अल्लाह व शरीक लहू की तरफ से उतरा है वो कितनी बेहतरीन मुबारकबादी है जिससे आज हम में से अक्सर लोग गाफिल हैं गोया मुलाकात आमना सामना घरों में दाखिल होना मजरसों में दाखिल होना उनके बहुत सारे आदाब में से सबसे अहम आदब यह है कि जब भी किसी मुसलमान भाई का आमना सामना हो तो सलाम करने में पहल करें सलाम करें और अगर कोई पहल कर गया तो उसके सलाम का खुश दिली से दिल की गहराई से जवाब दें मुंह बना के नहीं और ऊपर से खुश मुस्कुराहट को बनावटी मुस्कुराहट को ज़ाहिर करके और दिलों में कीना कपट बगजों इनाद रख करके नहीं साफ सुथरा ये साफ़ सुथरा अदब है सलाम ये खैर की दुआ है जो बरकत वाला है जो साफ सुथरा और पाकिज़ा है जो अल्लाह ताला की जानिब से उतारा गया है उसी पाकिज़ा दिल के साथ उसी साफ सुथरे दिल के साथ उसी साफ सुथरे अखलाक मामलात के साथ सलाम करो मेरे भाइयों और साथियों सलाम करने में कितना थक जाते हैं आज मोबाइल का जमाना है सबसे पहले लोग हेलो करते हैं हालांकि जानते हैं कि फ़ोन करने वाला मुसलमान है या गैर मुसलमान क्या कहना चाहिए असलकम वह वर्का हेलो क्या हाल है ये बाद में वालेकुम व आमना सामना हो तो ये इस्लामी आदाब में से एक बरकत वाली दुआ है जो अल्लाह ताला ने और उसके प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस अन्हुमा की एक हदीस सुनी आज बहुत सारे लोग एक मुसलमानों को आपस में मिलाना चाहते हैं महब्बतें पैदा करना चाहिए अलग बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं हाँ व्हाट्सएप वगैरह पे मार देते हैं कि अगर किसी के दिल में उनकी हमदर्दी महब्बत तो भी मान पड़ने लगती है हाँ, मान पड़ने लगती है और अपने आप को बहुत बड़े कारी अल्लामा मौलवी और इंजीनियर और डॉक्टर और मानने क्या क्या समझ बात को जबान से निकालने से पहले कलम से लिखने से पहले सोचना चाहिए किसी के दिल को ठेस तो ना पहुँचे और जिसमें ठेस हो जिसमें ईदा रसानी हो हंसते अब्दुल्ला बिन अमर बिन आसनुमा कहते हैं कि एक आदमी खदमत रसूल अकदस में हाजिर होकर अदब अंदाज में सा... सवाल करता है अयुल इस्लाम खैर कौन सा इस्लाम यानी इस्लाम की कौन सी चीज बेहतर खैर है भलाई है अच्छाई है शुभेच्छा है मुसलमानों इसको गिरह लगा लो अपनी इस्तात और ताकत के मुताबिक अल्लाह के वास्ते हमदर्दियाँ पैदा होंगी भाईचारगी पैदा होगी एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने का जज्बा पैदा होगा अल्लाह अखलास नीयत से करेंगे अल्लाह के यहां आपकी इज्जत बढ़ेगी और आपका एहतराम लोगों के दिलों में अल्लाह ताला डाल देगा पेवस्त कर देगा अल्लाह के रसुल ने फरमाया सुनो इस्लाम के एक बेहतरीन खूबी आदत तरीका सिफत यह है तो इम खाना खिलाओ अपने घरों से बना के जो तुम खाते हो वही या और अच्छे अंदाज में होटलों में खाना खिलाओ और ये खाना खिलाना दुनियावी कोई मकसद हासिल करने के लिए नहीं बल्कि रब दो जहां की रजामंदी हासिल खाना खिलाओ आप जरा थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके कान खोल करके दिलों के फड़फड़ाहट को समझ करके ज़रा पूछें आप अगर अपने जहाँ भी रहते हैं खाना खिलाते रहें खाने का डिश पड़ोस के घर में भेजते रहें दोस्तों के यहाँ भेजते रहें गैर दोस्तों के यहाँ जिसके जिसको आप खाना खिलाएंगे अगर इखलास है तो मिनजानबील आपके इज्जत और एहतराम उसके दिल में अल्लाह बिठा देगा और भाईचारगी मोहब्बत हो जाएगी सुनिए उलमाए कराम ारी साहब हजरा तलबा हजरत, खास तौर तो पर यह चीज़ दीन के अंदर होना चाहिए स्टेजों पर तकरीर करने वालों के अंदर होना चाहिए मुदरसन और टीचरों के अंदर होना चाहिए नेताओं के अंदर होना चाहिए डॉक्टरों के अंदर होना चाहिए जो अपने आप को बड़ा समझते भी हैं और समाज में बड़े समझे भी जाते तो इमितम खाना खिलाओ लेकिन ऐसा ना हो आगे से हुरा कूरा पीछे से हुरा ऐसा ना हो मन में आन बगल में छोड़ी अखलाश व तकरा और सलाम करो अला मन अला मन आरफारिफ मन जिसको आप पहचानते हो या जिस जिसको पहचानते ही नहीं पहली मुलाकात हो ये अल्लाह के रसूल ने सलाम के बारे में और समाज के अंदर भाईचारगी की पैदा करने के सिलसिले में एक बेहतरीन नुस्खा पेश किया है जो प्रैक्टिकल शक्ल में भी जाना जाता है महसूस किया जाता है और ये रिवायत मुत्तफक अली रिवायत तो क्या आज से हम लोग खाना खिलाने की आदत डालेंगे सलाम में पहल करने की आदत डालेंगे अखलाश नीयत के साथ और भाई ये ना समझना कि मौलाना या अतरमान साइदी अपने खाने का इंतज़ाम करें बहुत सारे लोग कह देते हैं कि को जो चीज़ चाहती है तलबा को उसकी फजीलत बयान करते हैं अल्लाह के कसम आओ मेरे गरीब खाने में बैठ कर खाना खाओ चौबीस घंटा दरवाज़ा खुला हुआ अल्लाह तोफ़ी दे और अल्लाह हमें आप सबको तोफ़ी दे कि इस नुमाया खूबी को अपनाएं बखेली और कंजूजी ठीक है आपने अपने घर में नमक रोटी अपने लिए बनाया है नमक रोटी खिलाओ चटनी रोटी खिलाओ साग और सब्जी और रोटी बनी है आपकी बीवी ने जो रोटी बनी आधी जली आधी कच्चे कोई मुश्किल नहीं यह है कि खिलाने में अहतमाम किया जाए फजूल खर्ची से बचते हुए रियाकारी से बचते हुए नई इखलास के साथ हंसते बरा बिन आज़िम रग़ल्ला एक बेहतरीन हदीस आप सुनिए कहते हैं अमारा ना रसूल सल्लाम बेसब हमारे रसूल अक्रम सब ने हमें हुक्म दिया है हुक्म सात चीज़ों की क्या क्या बेदतिल मरीज बीमार की अयादत बीमार पुरसी हाल चाल मालूम करने को आज तो बहुत सारे लोग हैं किसी बीमार के बीमारी के बारे में व्हाट्सएप पे कोई लिख दे ताकि लोगों की दुआएं आ जाए हो सकता माली इम्कान ना हो फ़ोन करने के तो उस पर भी टिप्पणी करने लगते हैं बीमार का हाल चाल मालूम करो चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट चाहे या गैर मुबासिर चाहे फ़ोन करके व्हाट्सएप के जरिया फेसबुक के जरिया किसी भी जरिया से एक नुमाया खूबी जिसका अल्लाह के न सुन और कुशादा दिली के साथ अखलास नीयत के साथ ठीक है मौलाना साहब कारी साहब ने फोन कर दिया और दिल में सौ मन की गंदगी और नफरत भरे हुए हैं ऐसे जाहिर दारी से क्या फायदा किसी के यहां मैत हो गई जनाब ने व्हाट्सएप पे देखा के लिए कि मयत हो गई दुआ नहीं लिखे हम्म मोबाइल कर रहे हैं और फिर व्हाट्सएप पे लिख भी रहे हैं कि मैंने उनका फोन करके ताजियत की और ये क्या दूसरों से बताते भी हैं और दिल में करोड़ों मन की गंदगी खबासत हसद नफरत गुरूर घमंड रखे हुए हैं क्या फायदा कुशादा दिली के साथ अपना एक दीनी भाई समझ करके के दीनी भाई समझ करके इखलास नीयत के साथ कीजिए वह जनाइस और जनाजे के पीछे जाइए बड़ों की मई हो, सारा इलाका टूट पड़ता है किसी गरीब की मईत हो किसी नादार की मईत हो तो गांव के चंद लोग रहते हैं किसी ऐसे आलिम का जनाजा हो जिससे माली फायदा खास तौर पर सारे लोग सफर कर जाएंगे लेकिन वहीं इलाके में आलिम का जनाजा हो बस मशगूलियत हो गई जनाजे में जाना चाहिए वहद के बराबर सवाब मिलता है तजह तकफीन में शरीक होना चाहिए बहुत पहाड़ के बराबर शवाब मिलता तीसरी चीज व तस्मी तिलआत आज ये आदत अक्सर लोगों में नहीं है जो कि जिसका हुकुम अल्लाह ने सुन छीखने वाले का जवाब देना यानी छीखने वाला क्या कहे अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी छीख आए जो नेमत है रब कायनात की तरफ से छीखने वाले को यह आदत बना लेनी चाहिए इबादत समझ करके क्या कहे अल्हदुल्ला और सुनने वाला क्या कहे यह रहा चीखने वाला का अल्हम्दुलिल्लाह सास रुक गई थी चलने लगी जब सुनने वाला क्या कहा अल्लाह अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करे बिल्कुल सच्चे दिल के साथ सच्चे दिल के साथ फिर चीखने वाला कहे या, या व वह बालकम अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारे हालात को दुरुस्त फरमा दे व नसर दीफ़ और कमज़ोर की सहयोग और मदद करना कमज़ोर दीनी मालूमत में कमज़ोर है अकैदे में कमज़ोर है और आदाब और अखलाक में कमज़ोर है माली हैसियत से कमज़ोर है जालिमों के जुल्म की वजह से कमज़ोर है चलने फिरने में कमज़ोर है देखने सुनने में कमज़ोर वगैरह हर कमज़ोरी में मदद करना लाफिला इखलास के साथ सच्चे दिल से रब कायनात की रजामंदी के खातिर और क्या कहा वाउन मजलूम और मजलूम की मदद करना क्या कहा जाए मजलूम की मदद करने की फिक्र तो दूर की बात जुल्म कैसे किया जाए इसकी फिक्र 24 घंटा फला के ऊपर जुल्म कैसे किया जाए अल्लाह के कसम बात अलग जा रही है अगर लोग जितना दूसरों पर जुल्म करने के बारे में मनसूबा बंदी करते हैं या दूसरों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद है कि कहां से लाया कैसे घर बनाया क्यों इतने आगे चल गया कैसे खा रहा कैसे पी रहा उतना अगर अपने बारे में हम और आप फिक्र करने लगे तो कामयाब हो जाएंगे मजलूम की मदद करना मजलूम की आज बीवियों पर कितना जुल्म हम करते हैं कौन मदद करे ससुराल वाले चाहे कर सकते हैं जो लाठी डंडे वाले हो आज अपनी बेटियों पर अपनी बहनों पर कितना जुल्म करते हैं। वरासत ही से महरूम कर देते हैं जहेज मांगते लेने की कोशिश करते हैं या देने की कोशिश तालीम में कमियां करने की खुद लड़के को खौफ पढ़ाएंगे बेटी को है लड़के के लिए घड़ी मोटरसाइकिल जरूरत हो या बिना जरूरत और बेटी के लिए एक अंगूठी बनवाना हो तो नानी याद आ जाती है लोगों की बाप बाप लोगों की बहुत सारे बात मजलूम की मदद करो ना ज़ालिम बनो और ना मजलूम बनो लेकिन अगर आपके सामने कोई हकीकत में मजलूम है किसी तरह से भी तो जितनी तवानाई और ताकत है अखलाश नीयत के साथ रब कायनात के रजामंदी के तलब में उसकी मदद करो खुला खुल्ला या चुपके चुपके कि कोई जान भी ना पाए कि समाज में बिगाड़ ज्यादा है और क्या हुक्म इस सलाम सलाम को फैलाना करना नहीं फैलाना इसी का मिशन चलाना फैलाना और फैलाना जानते हो लेकिन हम लोग क्या फैलाएंगे एक दूसरे की बात ज्यादा फैलाएंगे चुंगलियां करके गईबतें करके तोहमतें करके लगा करके हसद में दूसरे की और दूसरे की बुराइयां अगर जान जाए तो वो बहुत फैलाएंगे कहा अरे सुना यार फला के बारे में यह सुना है अरे कहां गए थे भैया क्यों देर हो गए अरे यार फना आदमी इतना ये है ये है ये है हालांकि कहाँ गए थे भैया पहले असलकम नजारत सलाम को फैलाओ है यही बात की नहीं है होटल में बैठे चाय पी रहे हैं नेताजी मोली साहब या फला साहब अरे मोल साहब चैया अच्छी है नेताजी चाय अच्छी है तो मैं भी आऊँ ये हालांकि नेताजी भी मुसलमान मौलवी साहब भी मुसलमान सारे लोग मुसलमान और ये हाल चाल पूछने वाला भी मुसलमान लेकिन अल्लाह ताला की जानिब से जो पाकिजा साफ सुथरा मुबारक खैर की दुआ उतारी गई है वो नहीं करना है अल्लाह की कसम अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा उसको चापलोसी पे मामूल ना करेंगे करेंगे तो अपना बदला आप पाएंगे सऊदी अरबिया के अंदर इस वक्त मैं बैठा हूं अरबों में एक जहाँ बहुत सारी नुमाया ख़ ख़ूबियाँ हैं इस्लामी आदाब के हिसाब से एक खूबी है कि जब भी आमना सामना होगा मुलाकात में दूर ही से असल कहेंगे इसलिए देखिए यहाँ जो गैर मुस्लिम भी आते हैं वो भी ये सामना हो जाए ऑफिस में लेटर वगैरह लिखाने आते हैं कहते हैं गुरु जी अस्सलाम ऐसा करते हुए मैं नहीं देखता हूँ साफ कहते हैं असल क्या हाल है भाई कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ऊपर वाले का एहसान है ये चीज है आम न और सलाम करने में अगर थोड़ा चूक जाओ तो सलाम करके वो सिखाते हैं सब में दोस्त दुश्मन आप में गैर मुस्लिम में मुस्लिम में सब ये चीज़ अक्सर आम है मेरे भाइयों से। ये यहाँ की फितरत है क्योंकि यहाँ की बुनियाद तोहैद पर है अल्लाह तमत अरबिया की हिफाजत फरमाए अरबिया सऊदिया की और यहाँ जितने दीनी इदारे हैं अल्लाह ताला सब की हिफाजत बिलखसूस फरमाए और पूरी दुनिया की दीनी इदारों के हिफाजत यहाँ से जो खैर फैलता है जो भलाइयाँ फैलती जो तोहीद और इस्लामी आदाब के प्रचार होते हैं अमली तौर तो पर कौली तौर तो पर तदबीकी तौर तो पर अल्लाह इसको बाकी रखे आमीन वह इबरारमकसम और अगर कोई कसम खा ले हाँ तो उसके कसम को पूरा करने की का आधार और हक दिया जाए ताकि वो कसम तोड़ने पर मजबूर होकर गुनहगार ना हो और हजरत अबू हुर ऱ अल्लाह तहों की सही मुस्लिम के एक रवायत और सुन लीजिए चलते चलते सुन लीजिए हजरत अब हुर रग़ी अल्लाह तहो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया सुनिए सलाम करने में पेश पेश रहिए दिल की कुशादगी के साथ चाहे अभी आपसे झगड़ा मेरा आपका झगड़ा तू तू मैं मैं हुआ व्हाट्सएप पर फेसबुक पर या आमने सामने हुआ फौरन सुनिए इस हदीस को अल्लाह के रसूल से फरमाते हैं जन्नत हत्ता मिनू तुम लोग जब तक मोमिन नहीं हो जाओगे जब तक जन्नत में कतान दाखिल नहीं होगे इसमें जन्नत में मुसलमानों अल्लाह हम सबको जन्नत सिर्मा जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक तुम मोमिन ना हो जाओ वाला तुम्नू तहबोलमा कराम कारी साहब मौलवी साहब सुन लीजिए व्हाट्सएप पे बड़ी ज़बान है और कलमें चलती हैं तीज़ा रसानी में जबकि वही मसला आप फोन करके हल कर सकते थे ग्रुपों को बर्बाद करके आप लोगों ने रख दिया है आप में से अक्सर लोगों ने ताल्लक़ को इस तरह ख़राब कर दिया जिसकी कोई हद ही नहीं और आप ही उम्मत के उसवा उम्मत के लिए और नमूना हैं अल्लाह कर सोच फरमाते हैं और उस वक्त तक तुम लोग मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक कि आपस में मोहब्बत करना करने लगो अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफरत और बज़ाम खेश नहीं कि हम ऐसे हैं हम हक हैं हम ये हैं जरा दूसरों के सामने भी पेश करके रख लो क्या आपका यह तौर तो तरीका हक गोई है कि ईदा रसानी है या एहसान जितलाना वगैरह वगैरह जब तक तुम मोमिन नहीं हो गए जदन में दाखिल नहीं होगे और जब तक तुम आपस में एक दूसरे से सच्चे दिल से अखलास नीयत के साथ मोहब्बत नहीं करने लगोगे जब तक तुम मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक तुम आपस में इखलाश नीयत के साथ दिल को कुशादा करके मुहबत नहीं मोहब्बत नहीं करोगे मोमिन नहीं हो सकते हो यह जाहिरी मुस्कुराहट का जमाना गया तन का गोरा और मन का काला होना छोड़ो मन का गोरा होना बनो और तन तो अल्लाह ताला ने जैसे बना दिया बना दिया है मन को गोरा करने के आदाब हैं तरीके हैं आपकी तकरीर से आपकी तहरीर से आपकी तसनीफ से आपकी बनावट से मन के गोरे नहीं हो पाओगे अमल से गोरे होगे अल्लाह की तौफीक से आपस में मोहब्बत करने पर भाषण देते हो तालीम देते हो प्रचार करते हो खाली ऊपर से है अपने मन में तो झांक के देखो अपने दिलो दिमाग में तो झांक के देखो आपके दिलों में कितनी हसर हसद है कितनी नफरत है कितना तकबुर और अजब और गुरूर है कितना गुरूर है, है कितना तकबुर है कितना अजब है कितनी बखालत है कितना हसद है अपने मन का तो इलाज हम लोग कर ले अल्लाह की कसम हमारी ये तालीफत ये तकरीरें ये हमारे खदमत खल उस वक्त तक काम नहीं आएंगे जब तक हम ईमान और आदाब ईमान इस्लामी आदाब से अपने दिल को मुनवर नहीं कर लेंगे मसला मसलों को आप अच्छी तरह जानते हैं आदाब पे किताब लिखना जानते हैं तकरीर करना जानते हैं अपने मनों की इलाह कर लो अपने दिलों को साफ लो कर लो बदगुमानियों से बचो हसद से बचो और किसी को तकलीफ देने से बचो अगर कोई तकलीफ भी दे तो हमें तकलीफ देने की इजाजत हमारे रब ने नहीं दिया है वाला तुम मीनू हटा तुम उस वक्त मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक तुम आपस में लिल्ला फिल्ला इब्ताय वज़हिल्ला तुम मोहब्बत नहीं करने लगोगे और अगर किसी की मोहब्बत को जांचना चाहते हो तो कर्ज का लेन देन कर लो उसके साथ काम करके देख लो उसके साथ सफर करके देख लो उसके साथ उठ बैठ करके देख लो कि खाली बनावटी तसन्ना है या है हकीकत में इसके दिल के अंदर कहीं कोई मक्खी के पर के बराबर रखने की जगह कि जिसके दिल के अंदर किसी की मोहब्बत हो किसी की मोहब्बत हो अवला अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अवला अबुल अला माला क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज ना बतला दूं इजाफ अल्तम हो कि उस चीज को अगर तुम करने लगे पाबंद हो गए बब तुम तो आपस में मोहब्बत करने लगोगे आपस में मोहब्बत करने लगोगे अब आपस में सलाम को फैलाओ यह दिलों के दरवाजों को खोलता है यह दिलों के लाख को तोड़ता है यह दिलों के अंदर उल्फत मोहब्बत पैदा करता है और अगर कोई ऐसा शख्स है कि बार बार सलाम करने से झुकने से गुरूर का शिकार हो जाए घमंड का शिकार हो जाए अनानियत का शिकार हो जाए तो या और बेराह रो हो जाए तो के साथ अपने आप को रखो सलाम है भाई अरे दोस्त एक दो जख्म नहीं बार बार मुझे ये शेर कहना पड़ता है एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी दर्द बेचारा परिसा है किधर से नहीं। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा जो बजाते खुद अपने आप को बड़ा समझते हैं हकीकत में सच्चाई यह है कि अक्सर लोग उन्हें सबसे पस्त समझते हैं नाटा और बौना समझते हैं नाटा और बौना समझते हैं कुंद जहन समझते हैं बद समझते हैं बकील और कंजूस समझते हैं और यह खुद हम किसी पर वार नहीं कर रहे अपने मन में झांक कर है जिंदगी तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन अपने इल्म की तो कदर कर अपने जाहरी तसन्न और बनावट की तो कदर कर अपने रब के इशादाब की तो कदर कर इस्लामी आदाब की तो कदर कर ठीक है ये कदर किया तो तेरा फायदा होगा तरह का फायदा नहीं होगा और अता रहमान अगर काला चेहरा काले दिल वाला है इसकी सलाह कर इसकी सुधार कर इसके पीठ पीछे इसके लिए दुआ कर दोस्तियां करके मोहब्बतों को बढ़ा करके इसकी तेरे ऊपर फर्ज और वाजिब है तेरे ऊपर फर्ज और वाजिब है क्या जवाब देगा तू अल्लाह ताला के हां कि बरसा बस से साथ रहने के बावजूद भी अपने एक मुसलमान की सलाह ना कर सका सुधार ना सका कितनी बार उसकी हिदायत के लिए तूने अपने नमाजों के अंदर या अवकात इजाबत के अंदर कबूल होने के औकात में दुआ किया अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए मेरे भाइयों सलाम बहुत ग्राम दौलत है इससे दोस्तों दुश्मनों को दोस्त बनाया जा सकता है इसके जरिए मुखालिफिन को अपना बनाया जा सकता है शर्त यह कि इखलास हो सच यह है कि सत्य है कि सच्चे दिल से किया जाए शर्त यह है कि इस्लामी आदाब रब की अत्यात के तौर पर किया जाए ये बनावटी मुस्किल इससे कुछ होने वाला नहीं है अल्लाह ताला हमें इन इस्लामी आदाब पर अमल करने की तोफ़ी दे और अल्लाह ताला हमें सच्चे दिल से रब की रजा के खातिर सलाम करने सलाम फैलाने की तोफ़ी दे और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे हमारे जरिए लोगों को हिदायत दे आमीन बीच में बात एक आई कि आपके सामने भी बहुत बेराह रहे होंगे गैर मुअद्दब रहे होंगे आपने क्या कोशिश बड़ी कोशिशें की जाती हैं लेकिन जो अनानियत का शिकार होता है गुरूर घमंड का पुतला होता है बखील और कंजूस होता है मतलब परस्त और वक्त परस्त होता है हर एक के बारे में शक की मिजाज होता है हर एक की तरक्की उसको भाती नहीं अपनी ही तरक्की अपने आप को अच्छा उसकी असलाह नामुमकिन है तो ऐसे लोगों के पीछे वक्त कर दुआ करें पीछे वक्त करने से कोई फायदा नहीं है मेरे भाइयों सलाम अल्लाह ताला की तरफ से सलाम के अंदर क्या दिल से हाँ ऊपर होठ खाली हिल हिलरा गोरा चेहरा मुस्कुरा दिया उससे कोई फायदा होने असलामैकुम तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो हर तरह की सलामती आ गई वरहमतुल्लाह रहमत और तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की रहमत हो वह बार और अल्लाह ताला की बरकात हो। तीस ने किया मिल गए, और जब जवाब भी दें तो यकीन इस दुआ पर यकीन करते हुए कुशादा दिल के साथ अल्लाह ताला से कबूल होने की इल्तिजा और इल्तिमास और यकीन रखते हुए जवाब भी देना चाहे रहमतुल्लाहि व बरकातहू लेकिन होते हैं समाज में कुछ छछूंदर होते हैं समाज के अंदर कुछ छछूंदर घड़ियाल मानिंद कि दिल रोता है इसे लोगों से और जवाब देने की हिम्मत नहीं होती है कि इसका हरूर बढ़ ना जाए इसकी अनानियत और आसमान पे न चढ़ जाए इसका अजब और इसके अजब की और तोियाँ ना बोलना पाए रहमान सईदी हो या सुनने वाले देखने वाले हो हम अपनी इस्लाह कर ले इन अज़ीज हम अपने दिलों को साफ कर लें हसद वगैरह से नफरतों से बखीली से वगैरह वगैरह सारे हम जब लेटे बिस्तर के ऊपर तकरीर करके आए हैं तारीफ करके आए हैं लोगों को नसीहत करके आए हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पर खूब चिल्ला चिल्ला करके समझाया है, गला फाड़ा लेकिन जनाब जी जब अपने बिस्तर पर हम जाए तो खाली बीवी बाल बच्चों का हक है दस मिनट के लिए सोच लें कि हमारा दिल क्या मोमिन दिल है इस्लामी आदाब का पाबंद है क्या हम सलाम जब करते हैं तो दिल के अंदर वो चीज होती है जो होनी चाहिए मुसलमान हो मुसलमान बन करके रहो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हमारी मदद करे कि हमारे जिस्म का रोव रोवां मुसलमान वो मुसलमान हो जाए जिस मुसलमान को अल्लाह ताला जन्नत देने का वादा फरमाया है आमीन अलैकुम व वबरक व जजाकल्लु खैरा